नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ हिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में छोटे भाई और पिता ने मिलकर बड़े बेटे को मारने की दी सुपारी। शराबी भाई की शर्मनाक करतूत, छोटे भाई की बीवी से अश्लील हरकत पर छोटे भाई ने पिता के साथ मिलकर हत्या कराने की दी थी सुपारी। 12 जून को थाना एचोड़ा कम्बो क्षेत्र के गांव मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक शव मिला था, जिसकी पहचान रविंद्र पुत्र विजय निवासी चंद्रबार थाना स्मोली जनपद संभल के रूप में हुई। घटना को तुरंत खुलासा हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित की गई है। हत्याकांड के आरोपी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपने सगे बड़े भाई की हत्या कराने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी और हत्या करने के बाद शव को रसूलपुर रोड पुलिया के नीचे छुपा दिया था। इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी चक्रेश मिश्र ने खुलासा किया। संभल संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस तरह का था कि इसमें जो इसका पिता है, इसके द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि जो मृतक है वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से इन पिता और उसके भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया और इन्होंने इस मर्डर के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव इन दोनों को इसकी सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कुछ पैसा पहले दिया गया था और कुछ पैसा बाद में देने की बात थी। इन दोनों के द्वारा इस युवक का गला घोंट कर इसकी हत्या की गई और बाद में एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए इसको पुलिया के पास फेंका गया। इस कार्य में इनकी सहायता धर्मपाल और नेत्राम ने की। ये दोनों जो युवक का पिता है उसके दोस्त हैं। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा करते हुए जो घटना में प्रयुक्त सामान था उसको बरामद किया गया और इन 6 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा। कितने रुपए की बात सामने आई? कुल 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। युवक जो मृतक है उसके पिता की, मृतक शादीशुदा था, मृतक भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा। फिर इसमें बाइक का जो इस्तेमाल किया हुआ है, बताया आपने कि एक्सीडेंट का रूप देने के लिए, तो उसमें किसकी बाइक सामने आई? बाइक किसकी है उसका हम लोग गहराई से छानबीन करा रहे हैं।